आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे पानी पूरी की रेसिपी। तो हम पानी पूरी की पूरी आटे से बनाएंगे, तीखा पानी, मीठा पानी और आलू और चने का मसाला बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, जैसे ठेले पर मिलती है ऐसी ही हम पानी पूरी बनाएंगे। तो पहले हम पानी पूरी की क्रिस्पी पूरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जो चपाती का आटा है वो, और उसमें आधा कप मैंने सूजी, फाइन बारीक वाली सूजी डाली है। नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार, तो तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा ऊपर। आटे को मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम कड़क आटा गूंद लेंगे। तो आटे को मसलते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो लास्ट में मैं बता दूंगी कि मैंने कितना पानी यूज किया है। तो मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया है और एकदम कड़क आटा, तो आप देख सकते हो, गूंद लिया है। अभी हम आटे को थोड़ा मसल लेंगे। और आटे को हम ढककर 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। हमने सूजी डाली है तो आटा है वो और कड़क हो जाएगा। तो पूरी क्रिस्पी बने उसका राज है कि आपको ये आटा कड़क रखना है, सॉफ्ट ना हो जाए, नहीं तो पूरी भी सॉफ्ट हो जाएगी। और ढककर हम इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक मैं तीखा पानी बना लूंगी। तो उसके लिए मिक्सर जार में 1 इंच अदरक के टुकड़े, 5 से 6 हरी मिर्च या फिर स्वाद के अनुसार, 1 कप पुदीने के पत्ते, 1.5 कप धनिया, तो मैंने दोनों को अच्छे से धो के लिया है, आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे ताकि हमारा पानी है उसका कलर हरा रहे, और 1/4 कप जितना हम पानी डाल के मिक्सर जार में उसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है, हम एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे और हम उसमें 1 लीटर ठंडा पानी डाल देंगे। मिक्सर जार में भी थोड़ा पानी डाल दूंगी। तो टोटल 1 लीटर जितना मैंने पानी लिया है पानी बनाने के लिए, और तकरीबन 75 से 100 पूरी तक का ये पानी है। और हम इसमें अभी सारे मसाले कर लेंगे। तो 2 टीस्पून नमक डाल देंगे, 2 टीस्पून काला नमक और 4 से 5 टीस्पून हम पानी पूरी का मसाला डाल देंगे। मैंने एवरेस्ट का लिया है, आपके पास जो भी ब्रांड का हो वो आप ले सकते हो। तो पानी पूरी के मसाले में सारे मसाले आ जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है। मिक्स कर देंगे और लास्ट में आप पानी टेस्ट कर लीजिए। ये खट्टा अच्छा होना चाहिए, तो आप टेस्ट करें। अगर आपको लगे खट्टा कम है तो आधा और नींबू का रस निचोड़ दीजिए। और ये हमारा तीखा पानी, अभी हम इसे रेस्ट करने के लिए 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो 2 घंटे के बाद हम इसे छान लेंगे ताकि सारे मसाले है और पुदीना और धनिया है उसका पूरा टेस्ट है वो पानी में बैठ जाए। और 2 घंटे के बाद हम पानी को छान लेंगे और जो मसाला बचेगा हरा वाला उसको हम साइड में रखेंगे, जब भी हम आलू का मसाला बनाएंगे तभी इसे यूज करेंगे। तो ये हमारा तीखा पानी है और अभी हम मीठा पानी बनाएंगे। तो इमली और गुड़ का मीठा पानी, तो ये मैं गाढ़ा बना रही हूँ, आप चाहे तो पतला भी बना सकते हो। ये मैं गाढ़ा बना के एक साथ स्टोर करती हूँ, और जब भी पानी पूरी या कोई सी भी इमली गुड़ की रेसिपी हो तो जरूरत के हिसाब से पतला गाढ़ा में लेती हूँ। तो अभी इधर मैंने 200 ग्राम इमली ली है और उसके बीज ना हो ऐसी ली है, और उसमें हम 500 ग्राम आधा किलो गुड़ डाल देंगे और हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे उबालना है ताकि इमली पूरी गल जाए और गुड़ अच्छे से पिघल जाए और एकदम टेस्टी चटनी बनेगी, और इसे आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। नमक हम डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून और आधा टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है, और 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे ताकि इमली का चटनी का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में ही
डेढ़ टेबल स्पून जितना सौंफ का पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो पिसे हुए जीरे का पाउडर भी ले सकते हो, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पानी पूरी के पानी में जीरे का पाउडर नहीं रहता है। मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से हम उबाल लेंगे 20 मिनट के लिए। बीस मिनट के बाद हमारा इमली का और गुड़ का चटनी है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये गाढ़ा होने लगा है और इमली भी पूरी गल गई है, तो उसकी खटाश है वो पानी में पूरी आ गई है। अभी मैं गैस की आंच बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। तो ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, तो हल्का गर्म रहे तभी हम उसे छान लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो अभी ये गाढ़ा हो गया है, अभी हम इसे छान लेंगे। तो ठेले पर जो पानी पूरी मिलती है कोई कोई पतला पानी लेते हैं और कोई कोई ऐसी गाढ़ी चटनी थोड़ी थोड़ी डाल के बनाते हैं, पर ये चटनी सारी भेल में सेव पूरी दही पूरी सब में जाती है, इसलिए मैं गाढ़े रखती हूँ। अगर आपको पतला चाहिए तो फिर आप इसमें पानी डालिए और थोड़ा नमक डालिए। अगर आपको लगे कि पानी खट्टा है तो उसमें कद्दूकस किया हुआ थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए, तो ये पानी पूरी का पतला पानी हो जाएगा। और ये गाढ़ा चटनी आप 3 से 4 महीने तक फ्रोजन में डीप फ्रीज में स्टोर कर सकते हो। तो इमली की चटनी तैयार है। तो हमारा तीखा पानी और इमली की चटनी दोनों तैयार है। तीखे पानी में थोड़ी बूंदी और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और दोनों पानी को मैं रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और अभी आटे को 15 मिनट हो गए हैं, हम इसे अच्छे से मसल लेंगे और एक बड़ी लोइया ले लेंगे और इसको हम एकदम पतला जितना आप कर सके उतना आप बेल लीजिए। तो एकदम पतला बेल लिया है और अभी ऐसे कोई सा भी आप ढक्कन हो या फिर मैंने कुल्फी का मोल लिया है और इसे हम ऐसे गोल गोल शेप दे देंगे, छोटी छोटी पूरियां। और एक्स्ट्रा जो बचा हुआ आटा है वो हम निकाल देंगे और सारी पूरियां को हम अलग कर देंगे। और अभी ये पूरियां है वो मोटी है, अगर आप पूरी मोटी रखोगे तो नीचे से ये सॉफ्ट हो जाएगी और ऊपर से भी ये सॉफ्ट हो जाती है, तो हम उसे 2 से 3 बेलन लगा देंगे। तो आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हो, मैं थोड़ा ऐसा लंबा गोल बेल रही हूं। तो एकदम पूरिया पतली करनी है, अगर थोड़ी भी मोटी रहेगी तो पूरी है वो फ्राई होने के बाद थोड़ी देर के बाद सॉफ्ट हो जाएगी। तो एकदम पतला पतला 2 से 3 बेलन मार दीजिए तो ये एकदम पतली हो जाएगी। और पूरियों को हम गीले कपड़े में रख देंगे, आटे को भी मैंने गीले कपड़े में ही रखा है और पूरियों को भी ऐसे आप बना लीजिए और गीले कपड़े में ढककर रख दीजिए। मैं साथ में ही उसे फ्राई भी कर रही हूँ, तो मैंने तेल इधर गरम रख दिया है, तेल गरम हो जाए तभी हम उसमें पूरी डालेंगे। एकदम अच्छे से तेल गरम हो जाए, गैस की आंच स्लो कर दीजिए, पूरी डालिए। पूरी जब भी आप डालें तो ऐसे हम स्पैटुला से दबाते रहेंगे, तो जब तक पूरी फूले नहीं तब तक हमें उसे तेल में ऐसे डुबो के ही रखना है, और फूल जाए तब वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। और दूसरी जो पूरिया है तुरंत ही एक बार फूल जाए हम उसकी साइड चेंज कर देंगे, तो ऊपर की साइड पतली रहेगी और दूसरी साइड मोटी रहेगी। तो हम पूरियों को फिर स्लो आंच कर लेंगे और हल्का गोल्डन कलर आ जाए दोनों साइड से स्लो गैस पर, तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। तो गैस की आंच स्लो ही रखें, अगर हाई फ्लेम रहेगी तो पूरिया है थोड़े देर के बाद सॉफ्ट हो जाती है, तो आप ये बहुत ही ध्यान रखें। तो
आप देख सकते हो पूरिया एकदम अच्छे से हो गई है। मैं उसे किचन पेपर पर निकाल दूंगी। किचन पेपर पर भी आप एक एक पूरी को अलग अलग रखिए। तो सारी पूरिया मैं इसे बिलती जाऊंगी और हम साथ में ही उसे फ्राई करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो एकदम मार्केट में मिलते हैं ऐसे गोलगप्पे फूल रहे हैं। तो ये तरीके से आप पूरिया घर पे ही बना सकते हो। जब भी आपके पास टाइम है तभी आप एडवांस में ये पूरिया बना लीजिए और पानी को भी आप एक दिन पहले बना लीजिए। तो जब भी आपको पानी पूरी सर्व करनी है तभी सिर्फ आलू और चने का मसाला ही बनाना रहेगा। तो ऐसे पूरिया को स्लो गैस पर हम दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तब तक होने देंगे। तो सारी पूरिया मैं ऐसे बना लूंगी और हम उसे किचन पेपर पर अलग अलग रखेंगे। बाद में इसे एयरटाइट डब्बे में ठंडी हो जाए तभी आप। तो अभी आप देख सकते हो पूरी बन गई है। मैं तोड़ के दिखा दूंगी ये एकदम ठंडी हो गई है। तो एकदम कुरकुरी क्रिस्पी पूरी बनी है हमारी। तो ऐसी ही हमारी सारी पूरिया बनी है। और अभी हम आलू का और चने का मसाला पानी पूरी के लिए बनाएंगे। तो मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और उसे मैंने मैश कर लिया है। आलू को बॉईल करते टाइम मैंने नमक डाला था और आधा कप चने। तो चने को भी भिगो के बॉईल करके लिया है। उसमें भी मैंने बॉईल करते टाइम नमक डाला है। और उसमें हम एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। अगर आप प्याज खाते नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो। और बनाई हुई चटनी जो तीखी हमने पानी बनाया उसमें से जो पुदीने धनिये मिर्ची और अदरक का मिक्सचर है वो ले लिया है। ये तीखा नहीं रहेगा क्योंकि पानी में पूरा उसका टेस्ट बैठा है, पर ये कलर भी अच्छा देगा और फ्लेवर भी अच्छा देगा। नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार और 1 टीस्पून काला नमक भी मैंने डाला है और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। बच्चों के लिए आप बना रहे हो तो लाल मिर्ची पाउडर मत डालिए। और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में 1 टीस्पून जितना भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। तो मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर है दोनों पानी में नहीं डाला है, तो मैं मसाले में डाल दूंगी ताकि उसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अभी आलू और चने का मसाला, तीखा पानी, मीठा पानी और पानी पूरी की क्रिस्पी पूरी सब तैयार है। तो अभी हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो प्याज बारीक कटे हुए साइड में और एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। और मसाले में मैं ऊपर से थोड़ी बूंदी डाल दूंगी। तो बूंदी है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हो। और अभी मैं पूरी भर के दिखा दूंगी। तो ये हमारी पूरी है एकदम क्रिस्पी और एकदम बढ़िया बनी है। तो हम इसे छेद करेंगे ऐसे और उसमें हम आलू और चने का मिक्सचर 1 टीस्पून जितना डालेंगे। तो ये रेसिपी से आप 75-200 तक पूरिया बना सकते हो। और उसमें हम मीठा, मैंने गाढ़ा पानी रखा है, अगर आपको पतला पसंद है तो और पानी नमक डाले और थोड़ा गुड़ डाल दीजिए। और हम उसमें तीखा पानी जितना आपको चाहे उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। और ऊपर से हम बारीक कटे हुए प्याज, और आप चाहे तो अभी आम का, कच्चे आम का सीजन है तो आप आम भी डाल सकते हो। तो इसे सर्व करें, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे लास्ट में। ये हमारी बढ़िया सी पानी पूरी तैयार है। तो आप एकदम ठेले वाली जैसी पानी पूरी घर पे ही आसान तरीके से बना सकते हो। अगर आपने पूरी रेसिपी कभी नहीं ट्राई की तो आप ये जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आप ये पानी पूरी की टेस्टी रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको पानी पूरी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।